हेलो दोस्तों, वेलकम टू केरला सनशाइन। आज मैं आपको दिखाऊंगी हम लोग केरल में सोडबीन कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके प्लीज़ शेयर कीजिए। हम केरला में सोडबीन को वाड़ंगिया कहते हैं। ये सोडबीन हमारे किचन गार्डन की है। आज मम्मा बना रही है और मैं शूट कर रही हूँ। इसे काट कर, इस तरह काट कर हम अच्छी तरह धो के एक कढ़ाई में डाल लेते हैं। फिर इतने ही पानी, इतना सा ही पानी चाहिए, इतने पानी में डालकर थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डालकर हम पका लेते हैं। जब इतने से पानी में पूरी तरह पक जाए तो हमें स्टोव ऑफ कर देनी चाहिए। तो फिर हमारा शुरू होता है सेकेंड स्टेप। के लिए हमें चाहिए कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ग्रेटेड कोकोनट और छोटी प्याज। पहले हम कढ़ाई में कोकोनट ऑयल गरम कर लेते हैं, इसमें छोटा प्याज को फ्राई कर देते हैं, करी लीव्स भी डाल देते हैं। छोटे प्याज जब थोड़े से ब्राउन कलर हो जाए तब हमें लाल मिर्च पाउडर डाल देनी चाहिए। लाल मिर्च पाउडर डालते वक्त हमें स्टोव को सिम में डाल देनी चाहिए। इसके बाद हमें 2-3 मिनट तक ऐसे मिक्स करना, और इसके बाद हम इसमें ग्राइंडेड कोकोनट डाल लेते हैं और 3 मिनट तक कोकोनट को फ्राई करते हैं, अच्छी तरह फ्राई करते हैं। केरला में हम लोग चावल के साथ एक करी और एक सब्जी होता है, एक टाइप की सब्जी ज़रूर होता है हर दिन। कोकोनट से हम जो बनाते हैं हम उसे तोरण कहते हैं। अब हम इसमें सोडबीन को डाल लेते हैं और अच्छी तरह मिक्स करके 2 मिनट तक अच्छी तरह पका लेते हैं। फिर से सिर्फ दो ही मिनट तक। तो हो गया हमारा सोडबीन सब्जी रेडी। हम लोग इसे केरला में इस टाइप की रेसिपी को हम तोरण कहते हैं। हम लोग इसे लंच के टाइम चावल के साथ खाते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा केरला रेसिपी, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।